बुराड़ी के संत नगर में बिल्डर को मारी बदमाशों ने गोलियां। बिल्डर की हालत गंभीर, मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती। बिल्डर का नाम अमित गुप्ता। बाइक सवार बदमाशों ने की कई राउंड फायरिंग, बिल्डर को लगी 2 गोलियां। दिल्ली पुलिस को आज दोपहर के 2:55 पर फायरिंग की कॉल मिली थी। संत नगर बुराड़ी के लेबर चौक पर फायरिंग हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची कि अमित गुप्ता नाम के एक शख्स को 2 अज्ञात लोगों ने गोली मारी है। अमित गुप्ता को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अमित गुप्ता के एक बाएं पैर में गोली लगी तो दूसरी पेट में गोली लगी थी और उनका अस्पताल में ऑपरेशन चल रहा है। कि वो आ रहे थे और एकदम से 2 लड़के खड़े हुए थे गाड़ी के उस पार, तो एकदम से गोली वगैरह चलाने लग गए। फिर उनके पैर बारे में चोट वगैरह लगी, गोली लगी, फिर एकदम से वो भागने लग गए और एक गाड़ी के पीछे पीछे वो गिर गए। फिर उस वजह से उनके ज्यादा लग नहीं पाई और ऊपर के हिस्से में मतलब कि उनके गोली वगैरह लगी। वो कितनी गोली की आवाज आपको? मतलब कि हमने 6 से 7 फायर की आवाज सुनी थी। मतलब कि 2 तो गाड़ी में लगी आपके और 4-5 तो उनके उसमें लगी है। दिल्ली पुलिस ने आर्म्स एक्ट और IPC की धारा 307 समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी तक हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। ये यहाँ पर तकरीबन 12:53 पे हमें एक PCR कॉल मिली थी कि यहाँ कोई फायरिंग हुई है, किसी बिजनेसमैन के गोली लगी है। मौके पे यहाँ पर सॉफ्टवेयर रोड पे ही जब पहुँचे तो पता चला बिजनेसमैन को कोई 2 लड़के जो अज्ञात थे यहाँ फायरिंग करके चले गए हैं, और जो बिजनेसमैन है उनको वहाँ एक हॉस्पिटल है यहाँ पर भेज दिया गया है। उनके 3-4 गोली लगी है, अभी ऑपरेशन चल रहा है, अभी तक सेफ हैं। इनका ऑफिस है बिजनेसमैन का यहाँ पर, अमित गुप्ता नाम के बिजनेसमैन है, और अभी उनकी गाड़ी यहाँ आई ही थी तो साथ के साथ ही 2 लोगों ने उन पर गोली मारी। कौन थे और क्या वजह हो सकती है? ये अभी तफ्तीश चल रही है, इस पर हमने केस दर्ज कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन ऑन है। क्राइम टीम मौके पर पहुँच गई है। ये हमारा अभी पहला मामला है, इसको हम खोलेंगे। तकरीबन 6-7 गोलियों का अभी तक पता चला है और बाकी उसका जो मेडिकल में आएगा उस लिहाज से आगे। टीमें हमने बनाई हैं अलग अलग तरीके से, जो भी बाद में मोटिव होगा खुल के आएगा।